दोस्तों नमस्कार। अगर आप भी डीमैट अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं तो मोतीलाल ओसवाल अपने कस्टमर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट प्रोवाइड कर रहा है, वो भी ऑनलाइन। आप इसे 5 मिनट के अंदर ओपन कर सकते हैं। इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को पूरा का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। ये एक डीमैट अकाउंट आपका पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन होगा। साथ ही साथ इसमें और भी आप लोगों को एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे, जो मैं वीडियो में आप लोगों को आगे बताऊंगा। तो प्रोसेस शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले इस पेज पर आना होगा। पेज पर आने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके डायरेक्टली आप इस पेज के ऊपर आ सकते हैं। आप चाहे तो मेरे दिए हुए लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, क्योंकि एक प्रकार से मैं आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू एजुकेट ही कर रहा हूँ। साथ ही साथ अगर आप मेरे लिंक को यूज करते हैं डीमैट अकाउंट यूज करने के लिए, तो आप लोगों को जो ब्रोकरेज चार्ज लगेगी ट्रांजेक्शन पे, वो लगभग आधे से भी कम लगेगी। नॉर्मली जब आप मोतीलाल ओसवाल में डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो वहां पर आपको जो इंट्राडे में ब्रोकरेज लगते हैं 0.05% और डिलीवरी चार्जेस 0.50% लगते हैं। आप मेरे लिंक के थ्रू अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो यहां पर ब्रोकरेज चार्ज आपको 0.02% इंट्राडे में और डिलीवरी में 0.20% लगेंगे, जो कि आधे से भी कम है। तो लिंक को क्लिक करके हम लोग इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। सिंपली हमें इस पेज के ऊपर जो ऊपर में मोबाइल नंबर का सेक्शन दिया हुआ है, वहां पर हमें हमारा मोबाइल नंबर डाल देना है और ओपन डीमैट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा, जहां पर हमारे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजी जाएगी। वो ओटीपी हमें यहाँ पर मेंशन कर देना है और नीचे में ऑप्शन है इंटर ईमेल आईडी का, तो यहाँ पर हमें हमारी मेल आईडी मेंशन कर देना है और नीचे प्रोसीड का ऑप्शन है, उसके ऊपर हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपके सामने पिक योर स्कीम का नया पेज ओपन होकर आएगा। यहाँ पर हमें हमारी अकाउंट ओपनिंग स्कीम सेलेक्ट करना है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ मत कीजिएगा। जो स्कीम मैंने सेलेक्ट करके रखी हुई है TRX 20, यही स्कीम आप लोगों को सेलेक्ट करना है, तभी आप लोगों का डीमैट अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन होगा। इतना करने के बाद हमें नीचे में ऑप्शन दिया हुआ है स्किप का, उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही हमारे सामने नया पेज ओपन होगा, जहां पर हमें हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। पहले डॉक्यूमेंट्स की बारी आते हैं यहां पर पैन कार्ड की। तो पैन कार्ड का जो डॉक्यूमेंट है हमें यहां पर अपलोड के ऊपर क्लिक करके अपलोड कर देना है। पैन कार्ड की पिक्चर यहां फोटोकॉपी अलाउ नहीं होगी, तो आप कोशिश कीजिए कि ओरिजिनल पिक्चर ही यहां पर अपलोड कीजिए और नेक्स्ट के ऊपर हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद सेकंड नंबर पर बारी आती है आधार कार्ड की। तो हमें सिंपली हमारा जो आधार कार्ड का 12 डिजिट का नंबर है यहाँ मेंशन कर देना है, और अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ऐड है तो यस के ऊपर क्लिक करना है, और ऐड अगर नहीं है तो नो के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे सामने ऑप्शंस आ जाएंगे आधार कार्ड का फ्रंट पेज अपलोड करने के लिए और आधार कार्ड का बैक पेज अपलोड करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग अपलोड करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस आता है बैंक प्रूफ अपलोड करने का। तो हमें हमारा जो बैंक अकाउंट नंबर है उसे यहाँ पर मेंशन कर देना है, IFSC कोड यहाँ पर ब्रांच कोड जो आपके पासबुक में या चेकबुक में लिखी होगी वो उसे यहाँ पर डाल देना है। मोस्ट ऑफ केसेस में यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए नहीं मांगता है, लेकिन अगर आपके केस में हार्ड कॉपी मांगी जा रही है यहाँ पर या पिक्चर मांगी जा रही है तो यहाँ पर पिक्चर अपलोड कर देना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद क्लाइंट फोटो का सेक्शन आ जाएगा, जहां पर हमें हमारी लाइव फोटो कैप्चर करनी है। तो यहां कैप्चर के ऊपर आप क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के लिए करने के बाद यहां पर सेल्फी टिप्स कुछ आएंगी, प्रोसीड टू टेक सेल्फी के ऊपर आपको यहां पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, अगर आपका कैमरा अलाउ नहीं कर रहा है तो उसे अलाउ के ऊपर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको जो ये बीच का सर्कल दिख रहा है यहाँ पर आपका फेस क्लियर कट दिखाई देना चाहिए। उसके बाद हमें यहाँ कैप्चर कर लेना है हमारी सेल्फी और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है। इतना करते ही आपकी जो फोटो है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी और यहाँ पर नया पेज ओपन होकर आ जाएगा सिग्नेचर का। तो हमें एक ब्लैंक पेपर में सिग्नेचर आपका करके यहाँ पर हमें हमारा सिग्नेचर अपलोड कर देना है और नेक्स्ट के ऊपर फाइनली फिर से क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपके सामने जो फाइनल डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आएगा वो है बैंक स्टेटमेंट। अगर आपके केस में आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करनी है या कमोडिटीज में ट्रेडिंग करनी है या करेंसी डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग करनी है तो आपको यहाँ पर 6 महीने का
बैंक स्टेटमेंट या फिर ITR की कॉपी या फिर किसी और डीमेट अकाउंट की होल्डिंग स्टेटमेंट आपको यहां पर अपलोड करनी होगी। अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। नीचे में कुछ ऑप्शंस है जैसे POA रिक्वायर्ड, तो फिलहाल के लिए आप इसे नो के ऊपर टिक कीजिए। जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा तो आपको एक हार्ड कॉपी POA की फॉर्म की भेजी जाएगी, उसे फिल करके आप इनके एड्रेस पे सेंड कर दीजिएगा। उसके बाद ऑप्शन आता है कि आप अपने अकाउंट में नॉमिनी रखना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पर नो किया है। आपको यहाँ पर रखना है तो आप यस के ऊपर क्लिक कीजिए और नॉमिनी की डिटेल यहाँ पर डाल दीजिए। इसके बाद आपके मेल आईडी पर एक OTP भेजी गई होगी मोतीलाल ओसवाल की तरफ से, वो मेल आईडी की OTP हमें यहाँ पर डाल देना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन होके आएगा जहाँ पर आपसे कुछ और भी डिटेल्स मांगी जाएगी, जैसे मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन, इनकम डिटेल, तो इन सब चीज़ों को फिल करके हमें नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज ओपन होके आएगा फिनिश विथ ई साइन का, तो आपको यहाँ पर OTP के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, OTP के ऊपर क्लिक करते हैं, तो आपके सामने NSDL का ये सामने पेज खुल के आ जाता है। यहाँ पर हमें हमारा आधार कार्ड नंबर डाल देना है और सेंड OTP के ऊपर क्लिक कर देना है। सेंड OTP के ऊपर क्लिक करते ही आपके आधार नंबर पर जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसके ऊपर OTP भेजी जाएगी, उस OTP को यहाँ पर डाल के वेरीफाई OTP के ऊपर क्लिक कर देना है। इतना करते ही आपके सामने फिनिश विथ ई साइन का जो प्रोसेस है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। आपकी जो क्लाइंट आईडी है यहाँ पर शो कर रही है, जैसे हमारे केस में यहाँ पे SUMT1226 योर डिजायर्ड क्लाइंट कोड करके शो कर रहा है। सेम क्लाइंट कोड को हमें नीचे में कंफर्म क्लाइंट कोड में यहाँ पर लिख देना है और प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते ही आपके सामने मैसेज ओपन होके आ जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन संजय आदे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इनका अकाउंट ओपन हो चुका है और मैक्सिमम 1 आवर में इनका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा और उसके बाद ये ट्रांजेक्शन चालू कर सकेंगे। ये पूरे के पूरे प्रोसेस में अगर किसी भी प्रकार की आपको कोई भी इशू आती है तो आप लोगों को मोतीलाल के ऑफिशियल्स की तरफ से कॉल भी आता है और आप लोग उनसे ये चीज़ डिस्कस कर सकते हैं कि आपको कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लोग उसे अपने लेवल पे भी रेक्टिफाई कर सकते हैं उनके गाइडेंस में। अदरवाइज अगर आप मोतीलाल ओसवाल के ऑफिशियल्स को बोलेंगे कि वो अपने एंड से उनका प्रोसेस कर दे तो वो भी इस चीज़ को कर सकते हैं। तो ये था पूरा का पूरा प्रोसेस कि किस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से आप लोग मोतीलाल ओसवाल में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वो भी मोबाइल के थ्रू ही। किसी भी प्रकार की कोई भी इशू होती है या वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी और एक्स्ट्रा आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।